मशरूम खाना सभी को बहुत पसंद है, पर मशरूम को साफ़ करना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो आज मैं आपको ये मशरूम बहुत आसानी से कैसे साफ़ करेंगे वो बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैकेट 200 ग्राम मशरूम, बटन मशरूम मैंने लिए हैं। अब देखिए, इसका जो ये बेस होता है, ये जो नीचे ये जो डंठल जैसा दिख रहा है ना, ये जो नीचे का बेस, ये काफ़ी सख्त होता है, तो खाने में वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कट करके ले ले। ये देखिए, मैंने ऐसे ये कट किया है। ऐसे सारे मशरूम के आप वो बेस जो है वो कट करके ले। ये देखिए, मैंने सभी मशरूम के ये जो बेस है वो अच्छे से मैंने कट करके ले लिए है। बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, एकदम हल्का सा, जो कड़क कड़क आपको लगे ना, जो हार्ड पार्ट है, बस उतना ही आपको कट करके ले लेना है। अब इसे क्लीन करना मैं बताऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लेंगे 2 से 3 स्पून के करीब गेहूं का आटा। अब गेहूं का आटा ले ले, या फिर ज्वार का आटा हो तो वो भी आप ले सकते हो। 2 से 3 स्पून के करीब ऐसे ऊपर से डाल दे, और इसे अच्छे से हाथों की मदद से, हल्के हाथों की मदद से अच्छे से सभी जगह से अच्छे से ऐसे क्लीन करके ले ले। इसे बहुत ज़ोरों से रगड़ना नहीं है, इसे बस हल्के हाथों से ही करना है, वरना हमारे ये जो मशरूम है ये टूट सकते हैं। क्लीन करके ले लेना है, बिल्कुल भी ये झंझट का काम नहीं है। आसानी से सारी मिट्टी, सारी गंदगी, जो कुछ भी है, सब आसानी से ये क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, मैं सारे करके लेती हूँ। देखिए, सारे मैंने क्लीन करके लिए हैं। अब इसे पानी में ऐसे डाल दे और अच्छे से दोनों हाथों से इसे साफ करके ले ले। अब देख सकते हैं, सारा जो आटा है वो आटे ने मिट्टी को पूरा क्लीन करके ले लिया है। अब देख सकते हैं, हर एक मशरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, और आसानी से हमारा सारा मशरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं है, है ना। कितना आसान तरीका, बिल्कुल भी आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत आसानी के साथ आपका ये मशरूम जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं एक और दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्लीन हो चुका है ना। आपको इसे घंटों पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत है, ना आपको इसमें विनेगर डालने की ज़रूरत है, बस 2 मिनट में आपका पूरा मशरूम साफ़ हो जाता है। अब आपको जैसे भी इसे कट करना है, सब्ज़ी बनानी हो, स्टर फ्राई बनाना हो, आप अब आसानी से मशरूम क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।